वेलकम बैक। तो हम पढ़ रहे हैं बेंडुरा की थ्योरी, जिसमें हमने बेसिक आइडिया लिया बेंडुरा के अकॉर्डिंग की लर्निंग कैसे होती है, दूसरों को देखकर होती है, सोसाइटी में होती है। और फिर हमने बात करी बेंडुरा क्या बताता है कि लर्निंग को ऊपर, मतलब लर्निंग हो इसके लिए कौन कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। फिर हमने बात करी लर्निंग के प्रोसेसेस क्या हैं। अब कोई सी भी लर्निंग थ्योरी हो, उसका मेन पर्पस है लर्निंग करवाना। और लर्निंग करवाने में एक चीज जो बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, वो है बिहेवियर में चेंज होना, जिसको बेंडुरा ने इग्नोर नहीं किया है। बेंडुरा ने बिहेवियरिज्म की जितनी अच्छी अच्छी चीजें थी उनको अपनी थ्योरी में रखा है, और उसमें से एक एस्पेक्ट था बिहेवियर का चेंज होना। तो बेंडुरा ने भी बिहेवियर के चेंज होने पे थोड़ी बहुत जो रिसर्च करी उसके बारे में बताया है, और वो जुड़ी है कि बिहेवियर जो चेंज होगा उसमें कोई और नहीं कराएगा बिहेवियर को चेंज। जैसा कि बिहेवियरिस्ट मानते हैं, बिहेवियरिस्ट क्या मानते थे कि कोई आपको मजबूर कर रहा है सीखने के लिए, इस वजह से आप सीख रहे हो या आपका बिहेवियर चेंज हो रहा है। बेंडुरा मानता है कि यहां पे आप खुद ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हो अपने बिहेवियर में चेंज के लिए, इसलिए वो मानता है कि बिहेवियर खुद सेल्फ चेंज होता है। तो इसलिए जो हम बेंडुरा की थ्योरी की एप्लीकेशन अभी पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में, वो है कि बेंडुरा मानता है बिहेवियर मॉडिफिकेशन खुद किया जाता है। तो आप इसकी हेडिंग लिख सकते हैं सेल्फ बिहेवियर मॉडिफिकेशन, सेल्फ बिहेवियर मॉडिफिकेशन। क्योंकि बेंडुरा मानता है बिहेवियर का जो मॉडिफिकेशन है, जो मॉडिफाई बिहेवियर को हम करते हैं, वो हम खुद करते हैं, उसमें दूसरे लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी या रोल नहीं है, और अगर है तो बहुत कम है, हमारा खुद का ज्यादा है, जो कि एक्चुअली में सच्चाई है। तो जैसा कि मैंने भी देखा है स्टूडेंट्स को इतने सालों से प्रिपेयर कराते हुए, सक्सेसफुल स्टूडेंट वही है जो खुद अपने बिहेवियर को या खुद अपने लर्निंग पे ज्यादा जोर देते हैं, बजाय कि टीचर के ऊपर डिपेंडेंट रहने के। तो सेल्फ स्टडी एक्चुअली ज्यादा इफेक्टिव है बजाय कि और चीजों के, ऐसा देखा गया। बट हाँ, ये सेल्फ स्टडी गाइडेंस के बाद होनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है। गाइडेंस बिल्कुल सही होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे यूट्यूब पे, मतलब आप लोग यूट्यूब पे वीडियोस देखते हो और आपने देखा होगा कितनी वाहियात वीडियो लोग बनाते हैं जिसमें गाइडेंस के नाम पे कुछ नहीं होता है। तो ऐसा गाइडेंस नहीं होना चाहिए, गाइडेंस बिल्कुल सही होना चाहिए, और उसके बाद आपको सेल्फ स्टडी करनी है, तब जाके आप सक्सेसफुल हो सकते हो। और इसी चीज की रिसर्च बेंडुरा की है कि बिहेवियर का मॉडिफिकेशन खुद किया जाता है, आप खुद रिस्पॉन्सिबल हो अपनी लर्निंग के लिए और कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है, आप खुद रिस्पॉन्सिबल हो अपने फेलियर के लिए और कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ऐसा बेंडुरा की रिसर्च में निकल कर आया। तो बेंडुरा ने कुछ टर्म्स एक्सप्लेन करी है जो हमें बहुत अच्छे से समझनी है, और उनके बारे में बात करते हैं। तो क्या बताता है बेंडुरा? बेंडुरा मानता है कि एक सक्सेसफुल इंसान को सक्सेसफुल बनाने में उसकी एक एबिलिटी का बहुत ज्यादा रोल है, चाहे वो सक्सेसफुल एग्जाम में हो, चाहे रियल लाइफ में हो, चाहे वो बहुत बड़ा कोई पॉलिटिशियन हो, बिजनेसमैन हो, एक्टर हो, टीचर हो, कोई भी हो। तो ये सब लोग सक्सेसफुल जो है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, उसके पीछे उनकी एक एबिलिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो है सेल्फ रेगुलेशन, सेल्फ रेगुलेशन। बेंडुरा बताता है सेल्फ रेगुलेशन वो एबिलिटी है जो लोगों को सक्सेसफुल बनाती है, सेल्फ रेगुलेशन वो एबिलिटी है जो आपको फेलियर से बचाती है। बट ये सेल्फ रेगुलेशन है क्या? सेल्फ रेगुलेशन बहुत बड़ी चीज है, सेल्फ रेगुलेशन के अंदर बहुत 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 कुछ आता है। जैसे मैं मान लेता हूं कि अभी आप किसी एक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो एग्जाम कोई भी हो सकता है, टीचिंग एग्जाम की अगर हम बात करें तो वो सीटेट हो सकता है, केंद्रीय विद्यालय का एग्जाम हो सकता है, या कोई भी एग्जाम हो सकता है। तो अगर आपकी सेल्फ रेगुलेशन की एबिलिटी बहुत अच्छी होगी, तो सबसे पहली चीज जो आप अपने लिए करोगे जो कि सेल्फ रेगुलेशन के अंदर आता है, वो है गोल सेटिंग। ध्यान से सुनिए, ये गोल सेटिंग खुद की जाएगी, आपको कोई और नहीं बता रहा है कि आपका एम क्या है, आप खुद डिसाइड कर रहे हो आपका एम क्या है। तो आप खुद के लिए एक गोल सेट करते हो, वो गोल कुछ भी हो सकता है, वो गोल हो सकता है कि मुझे सीटेट में 130 प्लस मार्क्स लाने हैं, वो गोल हो सकता है कि मुझे केंद्रीय विद्यालय के एग्जाम में टॉप करना है, वो गोल कुछ भी हो सकता है, बट वो गोल आप खुद सेट करोगे। तो सबसे पहली चीज है गोल सेटिंग। फिर जो गोल आपने सेट किया है उसके साथ साथ आपको उस गोल को अचीव करने के लिए करनी है प्लानिंग, और ये भी आप खुद करोगे, आपके लिए प्लान कोई और नहीं बनाएगा, प्लान आप खुद बनाओगे, आप खुद प्लान करोगे कि आपको कितना कब कहां कैसे पढ़ना है, कोई और नहीं करेगा। जैसे कि आप लोग करते भी हो, मान लीजिए कोई दिन है संडे और संडे का आपके और छुट्टी का दिन है, तो आपने प्लान किया सैटरडे को कि संडे के दिन हम इतना 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 पढ़ लेंगे, तो ये है आपकी प्लानिंग। बट सिर्फ प्लान नहीं करते हो, अब आप अपने बिहेवियर को मॉनिटर करते हो कि जो आपका प्लान है, जो आपका गोल है, उसको पाने के लिए आप उतनी मेहनत कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, और इसको बोलते हैं हम सेल्फ मॉनिटरिंग, सेल्फ मॉनिटरिंग। ये सेल्फ मॉनिटरिंग आप खुद करते हो, आपको कोई और नहीं बताता कि क्या देखना है अपने बिहेवियर में, कहां ढूंढना है अपने बिहेवियर में कमी को, तो आप करते हो सेल्फ
मॉनिटरिंग एग्जाम्पल लेते हैं उसी का. संडे को आपने प्लान किया कि मेरे को ये चार चैप्टर पढ़ने हैं और इन चार के क्वेश्चन करने हैं. ये था आपका गोल, ये सॉरी ये था आपका प्लान, क्योंकि आपका गोल है एक एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करना. अब आप संडे का दिन स्पेंड करते हो, उसमें आप कुछ कुछ पढ़ते भी हो, बट रात को आप देखते हो कि संडे पूरा खत्म हो गया और जो आपका एम था, जो आपके प्लान के अकॉर्डिंग आपने अचीव करना था उस दिन, वो नहीं कर पाए. अब आप ढूंढते हो कि कमी कहां रह गई, क्यों अचीव नहीं कर पाए, और आप देखते हो कि आपने थोड़ा सा पढ़ के डिसाइड किया कि थोड़ा रेस्ट लेते हैं दोपहर को, और रेस्ट लेने के लिए आपने सोचा सोएंगे नहीं वरना ज्यादा सो जाएंगे, तो मोबाइल थोड़ा चलाया और मोबाइल में फिर बहुत सारे मैसेजेस आए हुए थे, आपने उनको रिप्लाई करना शुरू किया. रिप्लाई करते करते, बात करते करते, चैटिंग करते करते 2 घंटे निकल गए. तो आपने अपने बिहेवियर में देखा कि हमारे बिहेवियर में कमी है, कि हम भूल जाते हैं, हम टाइम वेस्ट कर देते हैं मोबाइल में चैटिंग पे, या और भी कुछ हो सकता है, जैसे कि आप कोई गेम खेलने लग गए, कोई भी बकवासी गेम लाइक कैंडी क्रश, और उसके बाद आप उस पे बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड कर देते हैं. तो आपने खुद को मॉनिटर किया कि आपने कहां कमी है, आपने खुद की कमी ढूंढी, और इस कमी के अगेंस्ट इसको सुधारने के लिए क्या करना है आप ही खुद को बताओगे. और ये खुद को बताना, इसको कहा जाता है सेल्फ इंस्ट्रक्शन. सेल्फ इंस्ट्रक्शन, सेल्फ इंस्ट्रक्शन इज आप अपने आप को बता रहे हो कि क्या करना है. जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, जब हम कॉलेज में थे तो उस टाइम ये बहुत ज्यादा इंटरनेट नहीं इतना सस्ता हुआ करता था, ये व्हाट्सएप जैसी ऐप भी बहुत ज्यादा नहीं थी, तो उस टाइम एसएमएस आया करता था. तो जब हमारे पेपर आते थे ना, हम एसएमएस का कार्ड नहीं डलवाते थे. ये था हम कि हम अगर एसएमएस का कार्ड डलवाएंगे तो हम उसमें बातें करेंगे, तो हम खुद को बताते थे ये नहीं करना है. आजकल जैसे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो अपना इंटरनेट बंद कर देते हैं. अब तो खैर इंटरनेट बहुत सस्ता हो गया, बट थोड़े से टाइम पहले महंगा हुआ करता था, तो लोग इंटरनेट का कार्ड नहीं डलवाते थे. ये सेल्फ इंस्ट्रक्शन है, उन्होंने खुद को बताया कि हमें ये करना है, अदरवाइज हमारा जो प्लान है, जो गोल है, वो अचीव नहीं हो पाएगा. तो ये है सेल्फ इंस्ट्रक्शन, खुद को ही बताना कि क्या करना है या क्या नहीं करना है. तो सेल्फ इंस्ट्रक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये भी सेल्फ रेगुलेशन का पार्ट है. और इन द एंड जिन लोगों को सक्सेस मिलती है, उनमें एक पार्ट सेल्फ रेगुलेशन का बहुत ही अच्छा होता है, वो है सेल्फ मोटिवेशन. सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेशन क्या है? खुद को ही मोटिवेट करना. देखिए, सक्सेसफुल लोग वो नहीं है जिनको कोई और मोटिवेट करता है. ऑब्वियसली कुछ और लोग भी करते हैं, बट सक्सेसफुल लोग वो हैं जो खुद को मोटिवेट करते हैं, जो अपने आप को बताते हैं, खुद को इंस्ट्रक्ट करते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, जो खुद को मॉनिटर करते हैं, खुद में कमियां ढूंढते हैं, खुद उनको सुधारते हैं, जो खुद अपने लिए प्लानिंग करते हैं, खुद अपने लिए गोल सेट करते हैं. ये है सक्सेसफुल लोग, और ये एबिलिटी, ये सब करने की एबिलिटी है सेल्फ रेगुलेशन. तो ये सेल्फ रेगुलेशन है वो एबिलिटी जो आपको सक्सेसफुल बनाती है. अदरवाइज आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते, अदरवाइज आपकी लर्निंग नहीं होगी, अदरवाइज आपका बिहेवियर चेंज नहीं होगा. तो बेंडुरा मानता है सेल्फ रेगुलेशन एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको सक्सेसफुल बनाती है या नहीं बनाती, अगर आपने नहीं है तो. बट इसके अलावा 2 कॉन्सेप्ट और है बेंडुरा की सेल्फ बिहेवियर मॉडिफिकेशन के अंदर. उनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको हम बोलते हैं सेल्फ एफिकेसी. सेल्फ एफिकेसी, सेल्फ एफिकेसी 2 तरह की हो सकती है. सेल्फ एफिकेसी आप में हाई हो सकती है, सेल्फ एफिकेसी आप में लो हो सकती है. हाई सेल्फ एफिकेसी और लो सेल्फ एफिकेसी क्या है? ये हाई सेल्फ एफिकेसी वाले लोग वो हैं जो अपने ऊपर बिलीव करते हैं. बेंडुरा की एक स्टेटमेंट बहुत फेमस है, वो स्टेटमेंट ये है कि लोग अपनी एबिलिटीज को लेके क्या अपने ऊपर बिलीव रखते हैं, उसका बहुत इंपैक्ट पड़ता है उनकी एक्चुअल एबिलिटीज में. मतलब मान लीजिए आप एवरेज हो, बट अगर आपको लगता है आप एवरेज से थोड़ा और अच्छा कर सकते हो तो आप कर भी पाओगे. ये है हाई सेल्फ एफिकेसी. हाई सेल्फ एफिकेसी अपनी एबिलिटीज पे भरोसा रखना, बिलीव रखना कि अगर हम कोशिश करें तो हम कर सकते हैं, और देखा गया एक्चुअली में ऐसा होता है. बट दूसरी तरफ अगर किसी को लगता है कि मेरे में एबिलिटी नहीं है, मेरी एबिलिटीज कम है, मैं ट्राई करूं तब भी नहीं कर पाऊंगा, तो वो लोग एक्चुअली में सक्सेसफुल नहीं होते, वो लोग फेलियर की तरफ जाते हैं बिकॉज ऑफ देयर लो सेल्फ एफिकेसी. तो लो सेल्फ एफिकेसी क्या है? विदाउट इवन ट्राइंग, बिना ट्राई किए ये मान लेना कि हम में तो एबिलिटी नहीं है, तो अगर हम ट्राई करेंगे हमें फेलियर मिलेगा. तो वो ट्राई करते हैं तब भी उनको फेलियर मिलता है, बट क्यों मिलता है? क्योंकि वो ऐसा मानते हैं. हाई सेल्फ एफिकेसी क्या है? डिफिकल्ट सिचुएशन में भी ये मानना कि अगर हम ट्राई करें तो हम सक्सेसफुल हो सकते हैं. ये है हाई सेल्फ एफिकेसी. और आप सभी को लाइफ में हाई सेल्फ एफिकेसी डेवलप करनी है. एक एग्जाम का एग्जांपल ले लेते हैं. तो आप केंद्रीय विद्यालय या सीटेट या किसी भी और टीचिंग एग्जाम जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं उसमें आप जाते हैं, पेपर बहुत डिफिकल्ट आया, पहला क्वेश्चन या पहला पेज देख के आपको लग गया इस एग्जाम में तो बहुत बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, हम पता नहीं कैसे पास होंगे.
हाई सेल्फ एफिकेसी वाले लोग क्या सोचेंगे, यस एग्जाम बहुत डिफिकल्ट है, बट अगर मैं चुन चुन के बहुत इंपॉर्टेंट चुन चुन के आसान क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के कर लूं और कोशिश करूं तो शायद मैं सक्सेसफुल हो जाऊं। बट लो सेल्फ एफिकेसी वाले लोग हार मान लेंगे कि पेपर में तो हमें कुछ आता ही नहीं और वो एक्चुअली में फेल हो जाएंगे। तो आप सबको डेवलप करनी है हाई सेल्फ एफिकेसी, वो आपको सक्सेसफुल बनाएगी। बट साथ में एक प्रॉब्लम भी आती है जिसका नाम है लर्नड हेल्पलेसनेस। लर्नड हेल्पलेसनेस, ये लर्नड हेल्पलेसनेस क्या है? देखिए क्या होता है, आपने एक बार कोई चीज ट्राई करी बट आपको मिल गया फेलियर, आपने और मेहनत करी दूसरी बार वो चीज ट्राई करी बट फिर भी आपको मिल गया फेलियर, आपने और मेहनत करी तीसरी बार वो चीज ट्राई करी बट फिर भी आपको मिल गया फेलियर। तो आप मल्टीपल अटेम्प्ट्स कर रहे हो बट हर बार आपको फेलियर मिल रहा है। तो एक बार ट्राई किया फेलियर मिला, चलो कोई बात नहीं, दूसरी बार ट्राई किया फिर भी फेलियर मिल गया, तीसरी बार और ट्राई किया फिर भी फेलियर मिल गया। तो जब बार बार हम करते हैं और हमें फेलियर मिलता है तो हमें लगने लगता है हमारे में एबिलिटी की कमी है, और इसको बोला जाता है लर्नड हेल्पलेसनेस। बार बार ट्राई करने के बाद भी अगर सक्सेस ना मिले फेलियर मिले तो लोगों में डेवलप हो जाती है लर्नड हेल्पलेसनेस, सीखी हुई निस्सहायता। सीखा हुआ क्यों? अनुभवों से मिला है, बार बार फेलियर मिला, इस अनुभव से हमें क्या मिला कि हमें एबिलिटी की कमी है, हम हेल्पलेस हैं, हम नहीं कर सकते, इसको बोलते हैं लर्नड हेल्पलेसनेस। और बार बार फेलियर की वजह से डेवलप होती है और इसको हमें रोकना है खुद में डेवलप होने से। कैसे रोकना है? हम जब भी हमें फेलियर मिले हम अपने आप को और मोटिवेट करें, ये सेल्फ रेगुलेशन का हम यूज करें, प्लानिंग में चेंज करें, ऐसे ऐसे करें कुछ भी, तो हमें अपने आप में लर्न हेल्पलेसनेस डेवलप नहीं होने देना। ये लर्न हेल्पलेसनेस लर्निंग डिसेबल्ड या किसी भी तरह के डिसेबल्ड बच्चों में पहले डेवलप होती है, क्योंकि एक्चुअली वो कहीं ना कहीं से प्रॉब्लमेटिक है, उनके साथ कहीं ना कहीं से प्रॉब्लम ज्यादा है, तो उनमें लर्न हेल्पलेसनेस डेवलप होने का चांसेस ज्यादा है। और नॉर्मल जो पूरी तरह से बिल्कुल परफेक्ट है उनमें थोड़ा कम है, बट डेवलप उनमें भी हो सकती है अगर उनको बार बार फेलियर मिल रहे हैं। तो हमें पूरी कोशिश करनी है हमारे अंदर लर्न हेल्पलेसनेस डेवलप ना हो, और ये है सेल्फ बिहेवियर मॉडिफिकेशन। ये सब है सेल्फ बिहेवियर मॉडिफिकेशन जो कि एक्सप्लेन किया बेंडुरा ने अपनी थ्योरी में, और ये आपको बहुत 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 हेल्प करेगा, ना कि सिर्फ एग्जाम में बट कि पूरी लाइफ में। आप पूरी लाइफ में आगे टेक्निक्स को, ये जो बेंडुरा ने बताया इनको यूज कर सकते हो और सक्सेसफुल हो सकते हो। तो ये थी बेंडुरा की थ्योरी, काफी इंपॉर्टेंट थ्योरी है, काफी कुछ इसमें है, यहां तक आप पढ़िए।